रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। साला बंदूक भी दिखाता है और पीछे भी हटता है। आए, जीत हमेशा मोहब्बत का हुआ है, सदियों से यही होता आया है, यही होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए जानते हैं अमिताभ बच्चन की सफलता का राज। अक्टूबर को सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इस वर्ष अपना 80वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनकी जबरदस्त सफलता देखकर आज हर व्यक्ति अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व को खुद में उतारना चाहता है और उनकी तरह सफल इंसान बनना चाहता है। लेकिन उनके सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और लगन है। चौमुखी प्रतिभा के धनी अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व को लेकर आज की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उनकी सफल जीवन के सफर की और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह कठिन परिस्थितियों में भी वे अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे और यही वजह रही कि निरंतर सफलता उनके कदम चूमती रही। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छांह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, 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 अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता को लिखते वक्त यह कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी यह कविता उनके पुत्र अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व पर शत प्रतिशत खरी उतरेगी। अमिताभ बच्चन के जीवन के 80 साल इस कविता के लिखे शब्दों के इर्द गिर्द ही घूमते नजर आते हैं। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ, जिसे अब हम प्रयागराज के रूप में पहचानते हैं। उनके पिता मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी माता तेजी बच्चन ने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला। अमिताभ बच्चन ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने कैरियर की शुरुआत कोलकाता की एक फैक्ट्री में की और 500 रुपए महीने से काम की शुरुआत की। लेकिन रंगमंच के प्रति उनके लगाव ने उन्हें फिल्मी जगत तक पहुंचा दिया। रंगमंच में कैरियर की शुरुआत अमिताभ बच्चन के लिए आसान नहीं रहा, बल्कि शुरुआती दौर में उनके हाथ निराशा ही लगे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत और मेहनत करते रहे। शुरुआत में जब पहली बार फिल्म में कैरियर बनाने अमिताभ बच्चन मुंबई आए तो उन्हें फिल्मों में पहला मौका 1969 में 7 हिंदुस्तानी फिल्म से मिला। लेकिन इस फिल्म ने रुपहले पर्दे पर कुछ खास असर नहीं दिखाया और उनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, जिसके लिए डायरेक्टरों ने उनके ऊंचे कद को जिम्मेदार ठहराया। उनका मानना था कि अधिक लंबे कद की वजह से लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। फिल्म डायरेक्टर से मिले ताने और जनता से मिली निराशा के बावजूद वे निराश नहीं हुए
और अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी, जिसका नतीजा यह हुआ कि वर्ष 1970 में रिलीज फिल्म आनंद ने लोगों का नजरिया ही बदल दिया और उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपर डुपर हिट रही और अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म से अपने अभिनय का लोहा मनवाया। अरे वाह, ये हुई ना मर्द वाली बात। भाव बचाए, हमारी मुश्किल मालूम क्या है? हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पे ले आते हैं और उस खुशी में जहर घोल देते हैं। भाव बचाए, मैं आज थोड़ी मरने वाला हूँ, और अगर मर भी गया तो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। यही रहूंगा, यहाँ तुम्हारे साथ। हाँ, उन्नीस सौ सत्तर की फिल्म आनंद से अमिताभ बच्चन को मिली पहचान के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार हिंदी फिल्मों का कारवां बनाते रहे, जिनके हिट फिल्मों में रास्ते का पत्थर, मुंबई टू गोवा, नमक हराम, जंजीर, चुपके चुपके और शोले जैसे फिल्म ने उनके कैरियर में सफलताओं के पंख लगा दिए। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की सक्सेस का पहला राज उनकी पंचुअलिटी रही। किसी भी फिल्म की शूटिंग हो या कोई अवसर, वे हर जगह समय से पहुंचते हैं। उनका कहना है कि अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा की भावना होनी चाहिए और हर व्यक्ति को अपने काम को पूरी लगन के साथ करना चाहिए। इसलिए बिग बी अपनी हर फिल्म में अपने द्वारा फिल्माए गए हर किरदार में जान डालते हैं। अमिताभ बच्चन की सफलता का एक राज उनकी जानदार आवाज है। अभिनय के साथ साथ उनकी आवाज का जादू दर्शकों को बहुत लुभाता है। पिक्चरों के डायलॉग, उनकी आवाज में गाए गीत और अपने पिता कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना मधुशाला में उनके द्वारा किया गया काव्य पाठ व हनुमान चालीसा को दिया स्वर बार बार सुना जाता है, लेकिन फिर भी तरोताजा सा लगता है। अपने काम के प्रति समर्पण का भाव अमिताभ बच्चन की सफलता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा, जिसका उदाहरण फिल्म डॉन में मिलता है। उनके ऊपर फिल्माए गए गीत खई के पान बनारस वाला में सजीवता लाने के लिए अमिताभ बच्चन ने लगभग 40 पान खाए और आज भी वह गाना बजता है तो हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे। 1970 के बाद जब अमिताभ बच्चन एक के बाद एक हिट फिल्मों का तोहफा देते हुए बिग बी बनने की राह पर अग्रसर हो रहे थे, तब उन पर दौर आया जब फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में उनकी जिंदगी का जंग प्रारंभ हुआ। देशवासियों के हाथ उनकी सलामी और दुआओं के लिए फिर उठने लगे। अमिताभ बच्चन 26 जुलाई 1982 को बेंगलुरु में कुली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। यह एक फाइट सीन था। एक्शन डायरेक्टर के कहने पर पुनीत इस्सर को अमिताभ बच्चन के मुंह पर खूंसा मारना था और उन्हें टेबल के ऊपर गिरना था। सीन अमिताभ के डुप्लीकेट के साथ शूट करने का सजेशन दिया गया, लेकिन बिग बी सीन में रियलिटी चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही यह सीन करने का फैसला किया। एक्टर्स रेडी हुए, लाइट्स ऑन हुई, कैमरा एंगल सेट हुआ, डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही शूटिंग शुरू हुई। शॉट ओके हुआ और लोग तालियां बजा उठे। अमिताभ के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी।
लेकिन तभी उन्हें पेट में हल्का दर्द हुआ। दरअसल टेबल का एक कोना उनके पेट में चुभ गया था। कुली की शूटिंग के दौरान लगी यह चोट शुरू में मामूली, लेकिन दो दिन बाद यह काफी घातक निकली। सबके दिलों में राज करने वाले अमिताभ बच्चन की स्थिति बिगड़ गई। यूनिट के कई बार आग्रह करने के बाद वेल्लोर के जाने माने सर्जन H.S. भट्ट अमिताभ का केस देखने तैयार हुए। रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर भट्ट ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन बिग बी की बॉडी में फैल चुका है। अमिताभ बच्चन को तेज बुखार हो गया था और वे बार बार उल्टी भी कर रहे थे। दोपहर 2:30 बजे के करीब उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। उनकी धड़कन एक मिनट में 72 की जगह 180 की स्पीड से चलने लगी और वे कोमा में चले गए। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बिग बी का पेट चीर कर देखा तो हैरान रह गए। अमिताभ के पेट की झिल्ली, जो पेट के अंगों को जोड़े रखती है और केमिकल से उन्हें बचाती है, फट चुकी थी। छोटी आंत भी फट गई थी। इस स्थिति में किसी का भी 3 से 4 घंटे जिंदा रहना भी मुश्किल होता है, लेकिन अमिताभ बच्चन ने 3 दिन इसी कंडीशन में गुजारे। आखिर फैंस और फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों की उम्मीद रंग लाई और ऑपरेशन के 3 दिन बाद उनकी हालत में सुधार होना शुरू हुआ। पहली बार फिजियोथेरेपी, मसाज करने, वॉकमैन पर हल्का लाइट जैज म्यूजिक सुनने और फैमिली मेंबर्स के लिए नोट्स लिखने में सक्षम हुए। 24 सितंबर को आखिरकार अमिताभ बच्चन को ब्रिज कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लोगों की बेकाबू भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। ठीक होने पर उनके प्रशंसकों का धन्यवाद देते हुए अमिताभ ने कहा था, जिंदगी और मौत के बीच यह एक भयावह अग्नि परीक्षा थी। Today the 24th of September is exactly 2 months from the date when I was injured, and I sit here before you as a result of the efforts of doctors from the St. Philomena Hospital in Bangalore, and more especially the doctors and nurses from the Breach Candy Hospital in Bombay. But I am grateful most of all to all you people who have prayed for me, for my life. जिंदगी और मौत की जंग जीतने के बाद अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस को खुश किया और ठीक होते ही एक बार फिर अंधा कानून, शराबी मर्द, अग्निपथ, हम वा, मेजर साहब और बड़े मियां छोटे मियां जैसी कई हिट फिल्में दी। कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल होने के बाद ठीक होकर लौटे अमिताभ बच्चन ने फिल्म की शूटिंग पूरी की और अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ की इन पंक्तियों को चरितार्थ किया, जिसमें हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आज अमिताभ बच्चन एक सफल अभिनेता, प्लेबैक सिंगर, फिल्म निर्माता और टीवी होस्ट का नाम है। वर्ष 1984 से 1987 के दौरान वे संसद सदस्य भी रहे। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन अब तक लगभग 200 फिल्में कर चुके हैं। उनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्में आनंद, जंजीर, दीवार, शोले, अमर अकबर एंथोनी, अग्निपथ, शक्ति, ब्लैक, पा और पिंकू जैसी फिल्में हैं। वहीं फेमस टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में उनके मुंह से निकला हुआ देवियों और सज्जनों संबोधन हिंदी और हिंदुस्तान के प्रति उनके स्नेह को दर्शाता है। अमिताभ बच्चन आज अपनी 80 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, लेकिन अब भी उनमें वही युवाओं का जोश कायम है जो उनमें निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। फिल्मी पर्दे पर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन शराब पीते हुए या सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं, जबकि असल जिंदगी में बिल्कुल अलग है।
वह शराब को हाथ तक नहीं लगाते। वे पूरी तरह शाकाहारी हैं और वे मिठाई भी नहीं खाते। अपने दैनिक दिनचर्या में वे रोज जिम जाते हैं और अपनी फिटनेस पर भरपूर ध्यान देते हैं, जो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है, जिससे वे अपने काम के लिए ऊर्जावान बने रहते हैं। इसलिए आज 80 साल की उम्र हो जाने के बाद भी उनमें युवाओं सी ऊर्जा है।
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के 80वें जन्म दिवस पर उनके जीवन संघर्ष को अपने में समेटे यह थी इंडियन न्यूज की खास रिपोर्ट। हम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को उनके जन्म दिवस पर ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और यह दुआ करते हैं कि वे ऐसे ही स्वस्थ ऊर्जावान रहते हुए प्रत्येक भारतवासी के दिलों में राज करते रहे। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। साला बंदूक भी दिखाता है और पीछे भी हटता है। आए, जीत हमेशा मोहब्बत का हुआ है, सदियों से यही होता आया है, यही होगा।